यमुनानगर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा पर हुई सीबीआई रेड पर हुड्डा ने कहा कि मेरे ऊपर इन चीजों का कोई दबाव नहीं है, लेकिन ये सब कुछ राजनीतिक प्रतिशोध से किया जा रहा है। देखिए, आमतौर पे जब सरकार बदलती है तो लोग ये कहते हैं भाई पिछली बार की कोई गलती रहेगी हम सुधारेंगे। हमारा 10 साल सरकार रही है और अब ये 4.5 साल से ही है। ये तो कहते हैं ये वायदा करके ले आए भाई अच्छे दिन ले आएंगे। मैं कहता हूँ तुम्हारे पुराने दिन ला दूंगा, जो सब सुखी थे, किसान भी, मजदूर भी, व्यापारी भी, कर्मचारी भी, किसी को तकलीफ नहीं थी। और मतलब ऐसा आपस में भाईचारा था, किसान भी खुश था, उसको उचित भाव मिल रहा था, मजदूर को भी मजदूरी मिलती थी। लेबर चौक पे आप अगर 9 बजे जाते तो मजदूर नहीं मिलता, अब 12-1 बजे तक जो है वो बेचारे घर चले जाते हैं, मजदूरी नहीं मिलती उनको। इस प्रकार से कानून व्यवस्था इतनी परफेक्ट थी। इतने हमने 2005 में हमारी जो सरकार आई, बनते ही मैंने कहा था बदमाश और गुंडो या तो हरियाणा छोड़ जाओ, और वो छोड़ गए थे। अब फिर ये सरना स्थिति बना रखी है, आप देख रहे हैं रोज की रोज बैंकों में डाके, पेट्रोल पंप पे डाके, कोई सेफ नहीं है। कोई अपने आप में आज हरियाणा में अपने आप में कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता, ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में कोई सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है, भगवान भरोसे छोड़ रखा है। मेरे पर इन चीज़ों का दबाव नहीं बनता, एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, अंग्रेजों का दबाव नहीं बना हमारे ऊपर, इनके क्या दबाव बना। लेकिन राजनीति प्रतिशोध से इस किस्म के करंजा कि कुछ बिना आधार के कोई है नहीं, इसमें 4.5 साल तो हो गए इनको।